अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेंट पीके। मैं हूं आपका दोस्त आकाश सरगोदियन और आप देख रहे हैं टेंट पीके। आज हम मौजूद हैं रॉयल इलेक्ट्रिक स्टोर 5 ब्लॉक सरगोदा में और यहां पे आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स की और इलेक्ट्रिक डिवाइसेस की वसी रेंज मिल जाती है। और आज जिस चीज़ की हम आपके लिए वीडियो लाएँ वो है पेडेस्टल फैंस। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि गर्मी आ रही हैं तो आउटडोर यूज़ के लिए या फिर इनडोर यूज़ के लिए भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं, तो इनकी काफ़ी डिमांड आ रही थी और ऑडियंस इसकी प्राइसेस जानना चाह रहे थे। तो हमने आप लोगों के लिए इसकी तकरीबन जितनी भी कंपनीज आजकल अच्छी चल रही हैं उन सब की हमने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई है। तो ये कई कंपनीज़ के आपको मार्केट में मिल जाएंगे, इनकी क्या प्राइसेज हैं, क्या इनमें वेरिएंट्स हैं, कौन सा जो है वो सिल्वर वाइंडिंग में मिल रहा है, कौन सा आप लोगों को कॉपर वाइंडिंग में मिल रहा है। तो मेरे साथ शेख साहब मौजूद हैं, इनसे बात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? कैसे मिजाज हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। अच्छा सर, आप हमें बताएंगे कि ये कितनी कंपनीज आमतौर पे इनके जो हमें मार्केट में मिल रहे हैं फैंस? ऐसा है कि डिफरेंट कंपनीज हैं जो इसको पंखों को डील कर रही हैं। आप जिस नाम से भी हम नाम आप लेंगे उस नाम का आपको पंखा आपको मिलेगा, लेकिन जो प्रॉपर चलने वाली कंपनीज हैं पाकिस्तान में वो 3 कंपनी ब्रांडेड हैं। उसमें आपका रॉयल फैन आ जाता है, उसमें आपका GFC फैन आ जाता है, उसमें आपका पाक फैन आ जाता है। ठीक है, ये 3 आपकी मशहूर फेमस कंपनीज हैं, ये जो ब्रांड्स में आती हैं। इसके अलावा लोकल में हमारे पास बेशुमार कंपनीज हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे सामने जो ये पंखा मौजूद है इसके बारे में आप हमें बताएंगे कि ये ब्लैक कलर में हमें नज़र आ रहा है। जी, ये ब्लैक कलर में जम्बो पेडेस्टल फैन है, ये है GFC कंपनी का। ये इसका है नया बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल निकाला है इन्होंने 2021 में। ठीक है, इसका जो कड़ा है वो बड़ा है, इसकी जो मोटर है वो कॉपर वाइंडिंग में है, बड़ी मोटर है, डबल बॉल बेयरिंग में और इलेक्ट्रिशियन में पंखा है ये। अच्छा, इसकी जो हाइट है ये भी कितनी कम ज़्यादा हो सकती है, मैक्सिमम इसकी हाइट कितनी हो जाती है? इसको आप अपने उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे जितना मर्जी आप उसको कर सकते हैं। वैसे जो पंखे का साइज़ है वो 24 इंच का लाता है ये। ठीक है, और इसकी मार्केट प्राइस इस वक्त क्या चल रही है जी? जो इसकी जो होलसेल प्राइस चल रही है वो 7500 चल रही है इस पंखे की। अच्छा, इसमें कोई डिस्काउंट वगैरह भी हो जाएगा? नहीं, ये होलसेल प्राइस है, जो आपको प्राइसेस दे रहा हूँ होलसेल प्राइसेस दे रहा हूँ। अच्छा, ये किसी और कलर में भी हमें मिल जाएगा? हाँ जी, इसमें कलर्स और भी, पर आप आगे आ जाएं इसमें। नहीं, सेम इस यही मॉडल जो है ये हम किसी और कलर में मिल जाएगा? सेम मॉडल, ब्लैक कलर में अवेलेबिलिटी है इसकी। मुश्तबा भाई, इसकी वारंटी के बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं, वारंटी कितनी है? जी, पंखा होता है इसकी वारंटी नहीं, इसकी गारंटी होती है। वारंटी में चीज़ रिपेयर करके दी जाती है, गारंटी में चीज़ नहीं दी जाती है। इसकी सर 2 ईयर्स की कंपनी की ऑफिशियल गारंटी है। 2 साल के अंदर पंखा आपका ख़राब हो जाए, पंखा आपका जल जाए, पंखा सड़ जाए, इसके बैरिंग आवाज़ कर जाए, ये कोई भी प्रॉब्लम होती है, मोटर आप देंगे इसकी आपको मोटर रिप्लेस होकर नहीं मिल जाएगी। अच्छा, ये लाइफ टाइम गारंटी भी उस कंपनियों की तरफ से दी जा रही है, वो उसका क्या सीन होता है? उसमें ये होता है कि 2 ईयर्स तक जो भी पंखा आप लेंगे 2 ईयर्स तक गारंटी जो है इसकी बिल्कुल फ्री होती है, क्लेम फ्री होता है। उसके बाद अगर कोई 2 ईयर्स के बाद ऑनवर्ड्स चलते हैं तो थोड़े से कंपनी चार्जेज देती है, पंखा जो है आपका क्लेम हो जाता है। चलें ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट फैन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा मुझे बाबा, ये सेकंड फैन हमारा जो है ये कौन सी कंपनी का? ये भी GFC कंपनी का, ये इसका स्टैंडर्ड सीरीज है, ज़्यादातर मोस्टली ये पंखा चलता है। ये इसकी बड़ी मोटर है प्योर कॉपर में, इसमें कॉपर और सिल्वर वाइंडिंग दोनों आपको अवेलेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये कॉपर में है, ये ग्रे कलर में हमें नज़र आ रहा है। इस फैन के और कलर्स भी अवेलेबल हैं? हाँ जी, इसमें कलर्स आपको और ही मिलेंगे। इसमें ग्रे कलर है, इसमें मेहंदी कलर भी आता है और इसमें ब्लू कलर भी आता है, इसमें डिफरेंट कलर्स आते हैं इस पंखे में। अच्छा, पिछले की आपने हमें हाइट 24 इंच बताई थी, तो इसकी हाइट कितनी है? इसकी भी हाइट सेम है, 24 इंच है। ये हमें देखने में उससे छोटा लग रहा है, इसके परों का साइज छोटा है, क्या छोटी ये चीज़ है इसमें? नहीं, देखने में शायद थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है, लेकिन साइज़ सेम है और इसकी थोड़े से उसके बनावट का फ़र्क है, इसकी बनावट इसकी अपनी है। ठीक है, साइज़ दोनों का सेम है? साइज़ दोनों का सेम है। अच्छा, इसकी प्राइस क्या चल रही है इस वक्त जी? इसकी जो कॉपर वाइंडिंग में प्राइस है वो 6500 है। इसमें आपको सिल्वर वाइंडिंग का पंखा भी मिलेगा और सिल्वर वाइंडिंग में इसकी जो प्राइस है वो है 6000 रुपये। इसकी मैं आपको कॉपर की पहचान थोड़ी सी बता दूँ, इसकी कॉपर की पहचान ये है कि इसके ऊपर पतली लगी होगी और उसके ऊपर लिखा होगा 99.9% प्योर कॉपर वाइंडिंग। अच्छा, और सिल्वर में ये चीज़ नहीं होगी? सिल्वर में स्टिकर लगा होगा सर, उसमें कॉपर नहीं लिखा होगा। ठीक है, वो भी वैसे आज GFC की तरफ से ऑफिशियल रहा है या वो कुछ की रेप्लिका आ रही है? नहीं, वो भी GFC का ऑफिशियल पंखा। ठीक है, और गारंटी इसकी कितनी आ रही है? इसकी भी गारंटी 2 साल है। ठीक है, इसकी 2 साल गारंटी है और उसकी कितनी गारंटी मिल जाएगी हमें सिल्वर की? उसकी भी 2 साल है, गारंटी सेम है दोनों की। अच्छा, सिल्वर वाइंडिंग जो है वो कॉपर की निस्बत बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करता है या उसमें क्या मसाइल होते हैं? इसमें ये होता है कि कॉपर की निस्बत उसकी एक तो उससे लाइफ थोड़ी कम होती है कॉपर की निस्बत और थोड़ा बिजली की कंजम्पशन से ज़्यादा होती है। ठीक है, पर मंथ आपका बिल ज़्यादा आता है? हाँ जी, पर मंथ बिल में फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, आप थोड़ा सा हमें ये बताएंगे, अगर एक बंदा घर में रेगुलरली 3 पंखे यूज़ करता है 6 घंटे, तो वो तकरीबन उसका एवरेज बिल कितना पर मंथ बन जाएगा? पंखे अगर आप डिफरेंस देखना चाह रहे हैं सिल्वर और कॉपर का, तो तकरीबन 500 रुपये पर मंथ जो है फ़र्क पड़ जाता है बिजली के कंजप्शन में। ठीक है। अच्छा, अक्सर लोगों के पास अब पुराने पंखे हैं, उनके चल रहे हैं, वो आवाज़ वगैरह करते हैं, तो क्या वो बिजली ज़्यादा पी रहे होते हैं? उनमें कुछ जो चीज़ें घिसने की वजह से वो आवाज़ जो आ रही होती है उसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कुछ ज़्यादा पड़ रही होती है? सर डेफिनेटली, जो चीज़ जितनी पुरानी होगी जिसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली वो ज़्यादा जोर लगाएगी, ज़्यादा उसको ताकत चाहिए होगी, तो ज़्यादा ताकत का मतलब है कि ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादा आपके यूनिट्स है वो कंज्यूम करेगी वो।
अच्छा, सीलिंग फैन में एक चीज़ आ रही है कि एसी डीसी फैन आ रहे हैं, तो इनमें जो पेडिस्टल फैन है इनमें भी वो चीज़ मिल रही है हमें? इसमें आपको अभी एसी डीसी तो इन्होंने नहीं बनाया, इन्होंने डीसी फैन इन्होंने बनाया है, वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। चलिए वो भी हम देख लेते हैं। तो मुश्तफा भाई, अब ये हमारा थर्ड छोटे साइज में काफ़ी फैन है, इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताएंगे? हाँ जी, ये GFC ने पिछले साल इसका लॉन्च किया है, इसे कहते हैं GFC डीसी फैन। ये 12 वोल्ट बिजली लेता है, यानी कि 12 वोल्ट आपका या सोलर पर चलेगा, सोलर की प्लेट पर या आपका बैटरी पर चलेगा ये। ठीक है, और इसकी हाइट क्या है, इसका साइज़ क्या है? इसकी जो हाइट है वो 20 इंच है। अच्छा, 20 इंच में ये है, और इसमें तीन पार है, हमें चार की जगह नज़र आ रहा है। इसमें तीन पार है। अच्छा, और इसकी भी कोई गारंटी वगैरह आ रही है? इसकी गारंटी नहीं है कोई भी, ये आपको चेक करवा के देंगे और इसकी चेक गारंटी है इसकी। ठीक है, और इसके अलावा इसकी मेंटेनेंस वगैरह का क्या सीन है, स्पेयर पार्ट्स वगैरह मिल जाते हैं? हाँ जी, पार्ट्स जितने भी पंखे आपको दिखाए हैं सबके आपको स्पेयर पार्ट्स इजीली आपको मार्केट से अवेलेबिलिटी मिल जाती है। ठीक है, और ये ब्लैक कलर में है, तो इसमें इसके अलावा और कलर्स भी हैं अवेलेबल? इसमें सिर्फ ब्लैक कलर है। अच्छा, इसकी वायर जो है ये काफ़ी छोटी है, इसके साथ एडिशनल वायर कोई मिल जाती है? हाँ जी, मिल जाती है, इजीली मिल जाती है। अच्छा, इससे पहले जो हमने बड़े फैंस देखे थे, इनकी जो वायर है अप्रॉक्सीमेट उसकी लेंथ क्या थी? वो 2 से 3 गज होती है उनकी। ठीक है, 2 से 3 गज सबकी सेम होती है? सबकी सेम होती है ऑलमोस्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड साइज सबको सेम होता है? जी, सबका सेम होता है। अच्छा शेख साहब, आपने हमें पहले पिछले फैंस जो दिखाए GFC के थे ये सब, तो इसके अलावा और भी किसी कंपनी के फैंस आपके पास अवेलेबल हैं? जिसके अलावा मेरे पास आपको रॉयल फैन मिल जाएगा, उसके अलावा मेरे पास बहुत अच्छी कंपनी है अलशेख फैन, ये भी काफ़ी सालों से 50-60 सालों से भी कंपनी जो पंखे बना रही है, इसके भी पंखे बड़े अच्छे बड़े मयारी हैं, और ये भी आपको पंखे आपको मिल जाएंगे। अच्छा, ये जो आप हमारे सामने पड़ा है फैन, ये अलशेख का ही मुझे भी नज़र आ रहा है, तो इसका क्या साइज़ है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा हमें बताएं? साइज़ इसका भी सेम है, ये भी 24 इंच का फ़ैन है। ठीक है, इसमें भी सिल्वर वाइंडिंग कॉपर वाइंडिंग दोनों पंखे बनते हैं, और इसमें आपको सिल्वर वाइंडिंग का जो पंखा है वो आपको कॉस्ट रहता है ऑलमोस्ट 5,000 रुपये का, और जो इसमें जो कॉपर वाइंडिंग का पंखा है 5,800 रुपये का। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल जो पंखे आ रहे हैं उसमें जो मेन चीज़ देखने वाली है वो होती है इसका पैर, जो इसका पैर आजकल पंखे आ रहे हैं ना उसमें ज़्यादातर आ रहे हैं उसमें प्लास्टिक के पैर आ रहे हैं। जो अच्छा पंखा है उसकी क्वालिटी ये होती है, उसका जो पैर है ना वो देगी पैर होता है, देगी पैर से मिला है कि उसके लोहे का जो है ना उसको गर्म करके उससे जो है ना वो पैर तैयार किया जाता है। जो अब आजकल सस्ते पंखे जो आ रहे हैं लोग कम प्राइस में देखना चाह रहे हैं लेते हैं, लेकिन उसमें पंखा जो पैर है प्लास्टिक का पैर होता है, इस चीज़ को गौर नहीं करते। मैंने आपको जितने फैंस दिखाए इन सब के जो पैर है देगी पैर है और भारी वजनी पंखे। अच्छा, ये जो पंखे का वजन होता है इसमें क्या चीज़ ऐड एक्स्ट्रा की गई होती है जिस वजह से वजन ज़्यादा होता है अच्छे पंखे का? जितना पैर भारी होगा उतना पंखे का वजन ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, बाकी चीज़ें सबकी सेम होती हैं ऑलमोस्ट? इसमें देखना जो देखने वाली चीज़ें होती हैं ये होती है कि इसकी जो गरारी है वो लोहे की गरारी हो, इसमें एक प्लास्टिक की गरारी आती है, गरारी कहते हैं जिससे पंखा मूवमेंट करता है, इसके अंदर जो गरारी यूज़ हुई है वो लोहे की गरारी, जितने अच्छे पंखे हैं वो लोहे की गरारी यूज़ करते हैं, जो सस्ते और हल्के पंखे होते हैं उसमें प्लास्टिक की गरारी यूज़ हुई होती है। ठीक हो गया है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं इसकी गारंटी कितनी है? इसकी भी गारंटी 2 साल है। ठीक है, इसकी भी 2 साल की गारंटी है? जी जी, 2 साल। और इसके अलावा अगर उसके बाद ये ख़राब हो जाता है तो लाइफ टाइम गारंटी वगैरह का मतलब कोई सीन है? वो भी यही सीन है कि 2 साल तक क्लेम फ्री है, उसके बाद अगर पंखा आपका ख़राब हो जाए 5 साल में 10 साल में तो कंपनी चार्जेस लेती है, पंखा आपका क्लेम हो जाता है, मोटर क्लेम हो जाती है आपकी। उसमें क्या वो कितनी प्राइस लेते हैं, मतलब वो जो मसला होता है उसकी प्राइस वो लेते हैं या फिर कोई कम परसेंटेज लेते हैं? उसमें ये होता है कि पंखा आपने कभी भी आपने खुलवाना नहीं है, अगर आपने पंखा उसको खुलवाया तो उसकी गारंटी जो आपकी वेस्ट हो जाएगी, फिर आप चाहे 2,000 भी देंगे पंखा आपका क्लेम नहीं होगा। इसमें ये डिपेंड करता है कितना टाइम गुजरा, अगर 5 साल तक गुजरे हैं तो कंपनी 500 से 600 रुपये चार्ज करती है, अगर इससे ज़्यादा टाइम गुजरा तो 1,000 रुपये तक कंपनी चार्ज करती है, अगर वही पंखा आप बाज़ार से रिपेयर करवाएं वाइंड करवाएं तो आपसे जो इलेक्ट्रीशियन है वो आपसे 2,000 रुपये चार्जेज ले लेता है और उसकी गारंटी एक सेकंड की नहीं देता। यही अगर आप पंखा आप कंपनी से क्लेम करवाएंगे तो आपको चार्जेस भी तो लगेंगे लेकिन आपको गारंटी भी नहीं से इशू हो जाएगी। सही है मुश्तफा भाई, ये थोड़ा सा इसके कलर के बारे में भी ऑडियंस को आप बताइएगा कि ये अब हमें मेहंदी कलर में नज़र आ रहा है, इसके अलावा और कितने कलर्स में ये अवेलेबल है? मेहंदी कलर है और इसके अलावा इसमें आपको ग्रे कलर मिल जाएगा। अच्छा मुश्तफा भाई, इस पंखे के बारे में आप हमें कुछ बताइएगा? ये कंपनी ये पंखा जो है ये अनायत फैन कंपनी का, ये भी बड़ी पुरानी बड़ी मशहूर मारू कंपनी है अनायत फैन, ये इसका पंखा है और ये कंपनी सिर्फ कॉपर में पंखे बनाती है, इसका सिल्वर का कंसेप्ट ही नहीं है। अच्छा, तो इसका साइज़ क्या है, इसका थोड़ा देखने में हमें छोटा लग रहा है। ये भी साइज़ 24 इंची है, बस थोड़ा सा इसका जो रॉड है थोड़ा सा देख रहे हैं आप नीचे गया हुआ है, इसको थोड़ा ऊपर करूँगा तो इसका भी साइज़ सेम ही है। ठीक है, और इसकी गारंटी वगैरह कितनी मिल रही है हमें? गारंटी इसकी भी सेम 2 साल है, 2 ईयर्स। अच्छा, सब कंपनियाँ 2 साल की गारंटी दे रही हैं, इसके पीछे क्या सीन है, 2 साल बाद ये पंखे ख़राब हो जाते हैं, इनकी लाइफ ही 2 साल तो नहीं है कहीं? नहीं नहीं, पंखे जो है पंखा जो आपका जो फर्स्ट 15 डेज सही चलता है पंखा आपका सारी जिंदगी कहीं नहीं जाता, पंखा जो ये है ये तो आपका लाइफ टाइम साथ ही है। आपने देखे होंगे पंखे 50-50 साल हो गए लोगों के पास पंखे लगे होते हैं चल रहे होते हैं, पंखा आपको कहीं भी नहीं जाता। अच्छा, इसकी प्राइस आप हमें बताएं कितनी चल रही है? इसकी प्राइस 6,000 रुपये चल रही है, 6,000 कॉपर में। और इसमें कोई मजीद डिस्काउंट है? ये होलसेल रेट से। ठीक है, अच्छा ये कलर हमें एक ही नज़र आ रहा है, इसके अलावा और कलर्स भी हैं? इसके अलावा ग्रे कलर मिल जाएगा। ठीक है, ग्रे कलर मिल जाएगा? हाँ जी, ग्रे कलर। ठीक है, तो अब अपने नेक्स्ट फैन की तरफ चलते हैं। अच्छा मुश्तफा भाई, ये लास्ट फैन जो हमारे पास है ये कौन सा है?
ये रॉयल कंपनी का रॉयल फ़ैन है। अच्छा रॉयल फ़ैन, और ये साइज़ इसका देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है दूसरों से, ये क्या सीन है? ये इसकी बनावट, इसकी शेप ऐसी वजह से आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन साइज़ वो सेम ही है जो दूसरे पंखों का। अच्छा साइज़ इसका ये जो है ये सबको रॉड का सेम है, इसको बस हम पेज खोल के तो ऊपर नीचे कर सकते हैं? हाँ ये फ्लेक्सिबल होता है, जैसे मर्जी आप उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप इसकी। अच्छा तो इसके अलावा इसका साइज़ वैसे है क्या, 24 ही है? ये 24 इंच है, 24 इंच है। अच्छा ये 24 इसके परों का साइज़ होता है या ये इसके फुट का साइज़ होता है, किस चीज़ का? इसके परों का साइज़ होता है। ठीक है। अच्छा उसके अलावा इसको जो ये फुट है ये भी हमें प्लस के साइन में नज़र आ रहा है, बाकी सबके राउंड थे, ये क्या सीन? इन्होंने क्रॉस शेप नई शेप दी है, उन्होंने थोड़ा नया टच देने की कोशिश की है, इस वजह से जो है ना पंखा है काफ़ी चल रहा है। अगर कोई गैर हमवार जगह हो तो उसके लिए ये प्लस साइन वाला जो है ये ठीक रहेगा फुट, या फिर जो रेगुलर सर्कुलर चलता है वो? अगर जो अगर जगह आपकी अनस्टेबल है, ऊपर नीचे जगह है, फिर वहाँ पर जो दूसरा जो राउंड वाला वो भी ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है। अच्छा इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं कि इसकी प्राइस क्या है? ये जो पंखा है ये प्योर कॉपर मेंडिंग में है और इलेक्ट्रिक शीट के अंदर पंखा, ये आप पंखा इसकी होलसेल प्राइस है 7500। अच्छा 7500। और उसके अलावा ये और कलर्स में भी है? इसके अलावा इसमें सिंपल पंखा जिस तरह आपने GFC का देखा था सिंपल डिज़ाइन में, उसी तरह इसमें रॉयल में भी पंखा बनता है, उसकी कीमत आपको कॉपर में बनेगी 6700 और उसकी सिल्वर मेंडिंग में बनेगी कीमत 6200। ठीक है। ये सब आप जो प्राइसेस बता रहे हैं ये होलसेल हैं या इनमें कोई डिस्काउंट्स हो जाएंगे? ये सब होलसेल प्राइसेस में आपको दे रहा हूँ। होलसेल के लिए एक से ज़्यादा ज़रूरी होता है या अगर किसी ने एक लेना है तो वो भी आपसे रब्ता कर सकता है? नहीं आप जितने मर्जी लेना, चाहे आपकी क्वांटिटी एक है चाहे आपकी 10 हैं, आप जितने मर्जी आपको पंखे चाहिए, और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि आपको इन फ्यूचर में हम जो है होम डिलीवरी भी देंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा मुश्तबा भाई थोड़ा सा आप एक ये गाइड कर दें हमें, जो लोग नया पंखा लेने आ रहे हैं उनको किन चीज़ों को ख्याल रखने की ज़रूरत है? सर ये कि पंखा जो है पंखे की ऑफिशियल गारंटी जो है कंपनी की 2 साल है, अगर आपका पंखा विद इन 2 ईयर्स ख़राब हो जाए तो आपको 2 साल तक क्लेम फ्री है कंपनी की तरफ से, लेकिन अगर आपका पंखा 2 साल के बाद ख़राब होता है, 3 साल 4 साल 5 साल, आपने कभी भी मोटर खुलवानी नहीं है, आप सिर्फ इसका कैपेसिटी चेंज करवा सकते हैं, उसके अलावा आपने इसमें कुछ भी नहीं करवाना। अगर इसके बैलिंग में वाज कर दिए आप मोटर हमारे पास लिए, कंपनी थोड़े से चार्जेस देती है, पंखा आपको न्यू मिल जाता थोड़े चार्जेस देके। अच्छा कंपनी फिर वो जो है रीसेल उनको करती हैं या कंपनी से वो हमें वापस मिल सकते हैं, अगर कोई लोग कम प्राइस में लेना चाहे तो वो रिफर्निश करके कुछ इस तरह से भी मिल जाते हैं? नहीं वो कंपनी का मैटर, हमें नहीं पता इसके बारे में, उसको रिफर्निश करते हैं या उसमें मशीनरी नहीं डालते हैं, वो हमारा मैटर नहीं है, वो कंपनी का मसला। चलें ठीक है। तो ऑडियंस ये आज के हमारे पेडेस्टल फैंस थे मुख्तलिफ कंपनीज़ के, आपने देखे इसमें रॉयल था हमारे पास, GFC था, अल शेख फैंस के नाम से था, और उसके अलावा एक छोटा पंखा आपने देखा जो कि DC फैन था जो कि सोलर प्लेट्स वगैरह पे चलने वाला था। इनमें से आपको कौन सा पसंद आया कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। देखते रहें 10PK। अल्लाह हाफिज़।